दोस्तों, गुलामी की जंजीरों को हम भारत के लोगों से ज्यादा भला कौन ही जान सकता है। हम हिंदुस्तानियों ने करीब 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी झेली है। यहाँ मेरा हिंदुस्तान से मतलब आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी है। लेकिन आज मैं आपको गुलामी की नहीं बल्कि एक ऐसे आजाद मुल्क की कहानी बताने वाला हूँ जो अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी उनके चंगुल में नहीं आ सका और मजबूरन अंग्रेजों को ही उससे दोस्ती करनी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी है हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जिसका भारत से रिश्ता बेटी और रोटी दोनों का है। लेकिन दोस्तों, वो भारत की तरह कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। तो आखिर इसकी वजह क्या रही? क्या नेपाल और उसकी आर्मी आज के कंपैरिजन में पहले ज्यादा पावरफुल थी, या फिर वहाँ का शासक इतना समझदार था कि उसने अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को वहाँ नहीं चलने दिया? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठे हैं तो बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे कि क्यों और कैसे नेपाल कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं बना। Factify, facts on your face. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेपाल की भौगोलिक माने की जियोग्राफिकल लोकेशन से। दरअसल नेपाल अंग्रेजों के लिए इस लिहाज से जरूरी था क्योंकि उसकी बाउंड्रीज भारत से मिलती थी। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सेंट्रल एशिया में अंग्रेजों के व्यापार और साम्राज्य विस्तार के अभियान का रास्ता नेपाल से होकर ही जाता था। अगर नेपाल साथ न देता तो सेंट्रल एशिया में अंग्रेज कभी भी अपनी धाक न जमा पाते, और ये सारी बातें नेपाल भी अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वो किसी भी तरह के लालच में नहीं आया। शायद दोस्तों आपको ये न पता हो, लेकिन आज का गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ के मठाधीश योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वो कभी नेपाल में हुआ करता था। यही नहीं, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिमालयी तराई वाले हिस्से आज भारत में हैं, वो भी कभी नेपाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने 1762 से ही नेपाल पर कब्जे की कहानी लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए और फिर 1802 में अंग्रेज व्यापार के इरादे से वहां गए। लेकिन नेपाल के राजा अंग्रेजों के चाल चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने किसी भी तरह की हामी नहीं भरी, और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज भी समझ गए कि नेपाल पर कूटनीति से नहीं बल्कि युद्ध नीति से हमला करना पड़ेगा। एंग्लो नेपाल वॉर साल 1814 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जो करीब 4 सालों तक चली। गोरखा सेना ने उस वक्त के मॉडर्न हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन ताकतवर ब्रिटिश आर्मी के सामने भला हौसले के दम पर गोरखा सिपाही कब तक टिक पाते? जब लगा कि नेपाल हार रहा है, तब वहां के राजा ने संधि कर ली, जिसे ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से जाना जाता है। नेपाल अपनी 1/3 टेरिटरीज अंग्रेजों के हाथ गवा चुका था। ऐसे में नेपाल दरबार और अंग्रेजों के बीच हुई इस संधि के तहत अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमाऊं मिले। ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमाएं निर्धारित हुई, और तो और नेपाल के हाथों से सिक्किम और वेस्टर्न तराई का इलाका भी चला गया। दोस्तों, इस ट्रीटी की सबसे अहम बात ये रही कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखे जाने की बात पर सहमति बनी। अब इस संधि से नेपाल इस बात से बच गया कि उसे अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना पड़ा, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने कई इलाके अपने कब्जे में लिए और जरूरत पड़ने पर नेपाल के गोरखा सैनिकों की भी मदद ली। मतलब नेपाल हार कर भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना। इसके बाद नेपाली कोट और काठमांडू में रह रहे ब्रिटिश रेजिडेंट के बीच लगातार पॉलिटिक्स चलती रही, लेकिन अगले 30 सालों तक कुछ ना हो सका। और फिर नेपाल के पॉलिटिक्स में एंट्री होती है राणा डायनेस्टी की, जिसके बाद समीकरण बदलने लगे। राणा डायनेस्टी दोस्तों नेपाल के गुलाम नहीं बनने की एक बड़ी वजह 1846 में सत्ता में रही राणा डायनेस्टी को भी माना जाता है, जिन्होंने नेपाल में टोटलिटेरियन व्यवस्था स्थापित की, यानी कि नेपाल की किंगडम अब पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो चुकी थी और सारे ऑपोजिशन को खत्म कर दिया गया था। दरअसल राणा फैमिली आउटसाइडर्स थे, जिस वजह से नोबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद ली और बदले में भारत में उठ रही विद्रोह की आग को बुझाने में अंग्रेजों की मदद की, जिससे अंग्रेजों और नेपालियों के रिश्ते बेहतर होते चले गए।
दोनों के बीच अब अलायंस सेटअप हो चुका था। और दोस्तों यही मेन रीजन बना कि ब्रिटिशर्स ने फिर कभी नेपाल को इन्वेड नहीं किया। आपको बता दूं कि एंग्लो नेपाल वॉर के बाद गोरखा सोल्जर्स को भी ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बनाया जाने लगा। और इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का विरोध बढ़ा तो अंग्रेजों ने गोरखा आर्मी का इस्तेमाल हम इंडियंस को कंट्रोल करने में भी किया था, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल 1857 की क्रांति है, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। सन 1857 में जब पूरे भारत में अंग्रेजों का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा था, तब राणाज ने ही अंग्रेजों को मिलिट्री असिस्टेंस दी थी। और इस मदद के बाद अंग्रेजों ने नेपाल के राजा जंग बहादुर को नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ बाथ के रैंक से भी नवाजा था। जून 1858 तक विद्रोह के मुख्य चेहरे जैसे मौलवी अहमदुल्ला और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों द्वारा मार दिए गए थे, लेकिन कुछ लीडर्स जैसे नाना साहेब और बेगम हजरत महल अभी भी झुकने को तैयार नहीं थे। ये सभी लीडर्स नेपाल की तरफ चले गए और ये तराई इलाके से एक गुरिल्ला वॉर शुरू करने की फिराक में थे। और इसके लिए उन्होंने नेपाली लीडर से भी मदद मांगी थी, लेकिन उनकी ये रिक्वेस्ट नेपाल ने नहीं मानी और उल्टा अंग्रेजों का ही साथ दिया। फिर 1859 में नेपाली राजा जंग बहादुर ने तराई इलाके में छिपे सभी क्रांतिकारी लीडर्स को या तो मार दिया या फिर कैप्चर कर लिया। और इस तरह ब्रिटिशर्स नेपाल की मदद से द ग्रेट इंडियन रिबेलियन को खत्म करने में कामयाब रहे। अब दोस्तों आप ही सोचिए, जब नेपाल अंग्रेजों की इतनी मदद कर रहा था, उसके कहे मुताबिक चल रहा था, तो भला वो उसे कैप्चर क्यों ही करते। लैंड एंड मॉनेटरी ग्रांट्स। इंडियन रिबेलियन के खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने नेपाल को कई लैंड और मॉनेटरी ग्रांट्स दिए, लेकिन जंग बहादुर इस सबसे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि ब्रिटेन ने नेपाल के सॉवरेन स्टेटस को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। हालांकि फिर 1920 में पहली बार ब्रिटेन ने नेपाल को अनरिस्ट्रिक्टेड इंडिपेंडेंस देने की बात शुरू की, जिसके तहत 1923 में नेपाल ब्रिटिश ट्रीटी साइन हुई। और इस ट्रीटी में पहली बार नेपाल को एक इंडिपेंडेंट और इस सॉवरेन स्टेट का दर्जा मिला। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों कभी भी अंग्रेजों को नेपाल को कॉलोनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी और कैसे इस छोटे से हिमालयी देश ने अपने फाइटर्स की बहादुरी और स्ट्रेटेजी के दम पर खुद को सुरक्षित रखा। नेपाल ने भले ही वक्त के हिसाब से अपने दोस्त और एलाइज बदले हों, लेकिन ये सच है कि इतिहास के पन्नों में उसके नाम कभी गुलाम ना होने वाले देश का खिताब दर्ज है। हालांकि अंग्रेजों के अलावा भारत में डच और पुर्तगाली भी आए थे, जिनकी नजर भी नेपाल पर पड़ी थी, लेकिन जो देश अंग्रेजों के अधीन ना हो सका वो भला डच और पुर्तगालियों को कहां ही टिकने देता। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।